हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज आईटी स्किल्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। आपने ऑलरेडी पहले भी सीखा है नई कंपनी कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में न्यू क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। टैली में अपनी डिफॉल्ट कंपनी को कैसे आप सेट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कंपनी बना ली, क्रिएट अ कंपनी, और कंपनी के कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। टुडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रेस्ट ऑफ द फीचर्स कैसे फिल करनी है यू नो दैट, सो वी विल नॉट वेस्ट द टाइम। आई एम जस्ट सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल ए। नाउ जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया गाइस, करेक्ट कंपनी के डिफॉल्ट फीचर्स हैं, हम उसे भी एज इट इज रख देते हैं। कंट्रोल ए, कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ। सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द कंपनी कॉल्ड एज टूडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, अगर मैं इस कंपनी को, पूरे टैली सॉफ्टवेयर को क्विट कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं रीस्टार्ट करूँगा तो क्या ये टूडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसे। जी हाँ, एनी गेसेस, आप गेस तो कर ही सकते हैं कि टुडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वेदर कंपनी विल स्टार्ट और विल नॉट स्टार्ट। डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने नई कंपनी बनाई है तो डेफिनेटली यही कंपनी स्टार्ट होगी। हाँ जी, ऐसा नहीं होता। अगर मैं सॉफ्टवेयर को क्विट कर देता हूँ और एक नया टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक नया टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया। व्हेन आई स्टार्ट विद द न्यू सॉफ्टवेयर, आई रिपीट, मैंने फिर से टैली का नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया है। अब आप देखिएगा इसमें आपको कौन सी कंपनी दिखाई देती है। जी हाँ, अभी जो मैंने कंपनी बनाई थी इंडिया टुडे प्राइवेट लिमिटेड, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो आपको दिखाई देती है। सो विच कंपनी, आपको कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर डिस्प्ले में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आ रही है विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, बट हमने तो विप्रो नहीं बनाई थी। सो एवरी डे मुझे करना क्या होता है, इस विप्रो कंपनी को पहले शट करना पड़ता है। जी हाँ, शट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल F3 ऑप्शन है, या अदरवाइज हम यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे भी प्रेस कर देते हैं शट कंपनी। सो आई जस्ट शट दिस कंपनी। बट गाइज, मैं चाहता हूँ कि जब भी टैली की कंपनी स्टार्ट हो तो सबसे पहले उसमें मेरी ही कंपनी आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी और की कंपनी को देखना। तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक के पास, हम अपनी कंपनी को कैसे बाय डिफॉल्ट सेट कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह के ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सो रिमेंबर टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीरीज आईटी स्किल्स। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे हेल्प ऑप्शन के पास। आई रिपीट, देर इज ऑप्शन कॉल्ड एज हेल्प। हेल्प में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑप्शन कॉल्ड एज सेटिंग। दिस इज अ न्यू ऑप्शन कॉल्ड एज सेटिंग। और सेटिंग में जाने के बाद देर इज ऑप्शन कॉल्ड एज स्टार्टअप। आई रिपीट, हमें कहाँ जाना है, स्टार्टअप। जैसे आप स्टार्टअप में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप। आपने देखा था जब मैंने टैली के सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट किया था तो विप्रो नाम की कंपनी आ गई थी। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप में विप्रो नाम की कंपनी को किसी ने सेट किया हुआ है। चलिए हम भी अपनी कंपनी को सेट करना चाहते हैं। ऑफकोर्स अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यस करो, और नहीं करना चाहते हैं तो इसे नो करो। ओनली जस्ट यू हैव टू से यस और नो। आई जस्ट प्रेस डाउन एरो। अब डाउन एरो से यहाँ पे लिखा है लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप। हाँ जी, इसको आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद चूज वो कंपनी करनी है जो आप देखना चाहते हैं। जी हाँ, आई वॉन्ट टू सी टूडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं एंटर कर देता हूँ। और किसी कंपनी में आपका इंटरेस्ट है, नहीं है सर, करेक्ट। नाउ आपने एक कंपनी लिया है जिसका नाम है टुडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप में आनी चाहिए। कंट्रोल ए। हाँ जी, कौन सा शॉर्टकट प्रेस किया है, कंट्रोल ए, जिसे हम लोग बोलते हैं सेव एंड क्लोज, करेक्ट। अब आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे चले जाओ हेल्प में, और हेल्प में जाने के बाद यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद स्टार्टअप में। अब आप देख सकते हैं ये स्टार्टअप में जो कंपनी लोडेड होगी वो आपकी कंपनी लोडेड है, टुडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। अब गाइज, इसे थोड़ा वेरीफाई कर देता हूँ। मैं टैली के सॉफ्टवेयर को फिर से मैंने क्विट कर दिया है। लेट मी स्टार्ट विद द टैली वंस अगेन। नाउ आई एम रीस्टार्टिंग द टैली सॉफ्टवेयर। अब आप देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी कंपनी दिखाई देती है। सो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही था हमारा कि बाय डिफॉल्ट अगर आप टैली चालू करते हैं तो कौन सी कंपनी दिखाई देती है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे चल के क्लिक करता हूँ कंटिन्यूइंग एजुकेशनल मोड, बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो एजुकेशनल ट्रेनिंग पर्पज के लिए है। नाउ अब आप देख लो, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंपनी दिखाई देती है। सो दैट इज ऑप्शन ऑलवेज, आपको दूसरे की कंपनी पहले ओपन करो, चेक करो, शट डाउन करो, देन रीस्टार्ट विद योर ओन कंपनी। वो टास्क आपका पूरी तरह से चला गया ये। सो गाइस, अभी ऑप्शंस को आप अपने मशीन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ जाएंगे हम लोग, सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद स्टार्टअप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, रिमेंबर टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय एवरीवन।